स्वादिष्ट उत्पम बनाने की विधि। नमस्कार दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम आपको स्वादिष्ट उत्पम बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। इस विधि के द्वारा आप घर में झटपट उत्पम बनाकर नाश्ते में खा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पम बनाना आपके लिए जितना आसान होता है उतना ट्रिकी भी होता है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देना बेहद जरूरी है कि आपका यह उत्पम अच्छे से बेक हुआ हो, वरना यह स्वाद और बनने दोनों में अच्छा नहीं होगा। स्वाद इंडियन डिश की अगर बात करें तो उत्पम साउथ इंडियन डिश में से सबसे अधिक बनाए जाने वाला स्नैक्स फूड है, जिसे आप चाय के साथ या छाछ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे उत्पम के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां। आप यहां पर आधा कप पिसा हुआ चावल ले लें, जिसे आपको धोकर भिगो देना है ताकि इसमें अच्छे से पीसने के बाद खमीर आए। इसके बाद आपको धुली हुई उड़द लेनी है, इसे भी आपको धोकर पीस लेना है और इसे खमीर आने के लिए रख देना है। आपको दोस्तों इस बात का ख्याल रखना उत्पम बनाने के लिए बेहद जरूरी है, यदि खमीर अच्छे तरीके से नहीं आएगा तो उत्पम स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इसलिए आपको 5 से 6 घंटे के लिए इसे जरूर रखना है। इसके बाद आप 2 से 3 हरी मिर्च, धनिया, करी पत्ता, तड़के के लिए राई, एक बारीक कटी प्याज, कटा हुआ टमाटर, बॉयल हरी मटर, 2 चम्मच भीगी हुई मूंग, ऑयल, नमक, बेबी कॉर्न जरूर लें। अब हम आपको उत्पम बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। किसी बर्तन में आप अंकुरित मूंग, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, करी पत्ता, नमक और बारीक कटी प्याज को मिलाएं। इसी में आप टमाटर को भी बारीक चॉप करके मिलाएं। यदि आप इसके स्वाद को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इससे मिक्सचर का स्वाद बेहद चटपटा हो जाएगा। अब आप इसमें खमीर, उठी हुई उड़द की दाल और चावल को मिलाएं। ध्यान रखें, दोनों को मिलाने का समय 6 घंटे का जरूर होना चाहिए। 6 घंटे तक अगर आप खमीर के लिए नहीं रखते हैं तो ये उतनी अच्छी नहीं फूलेगी। अब आप एक नॉन स्टिक पैन लें, जिसमें आप थोड़ा सा घी या फिर ऑलिव ऑयल डालें ताकि पैन में मिक्सर पकड़े नहीं। अब आपको अपने रेडी मिक्सर को पैन में डालना है और हल्का सा फैलाना है। इसे ना अधिक मोटा बनाएं ना बहुत अधिक पतला। इसके बाद आप इसे पलट दें। जब आप इसे पलट कर सेकें, उसके बाद आप इसमें सारी चीजें मिलाने के साथ साथ चाहे तो थोड़ी धनिया की पत्ती और चाट मसाला की फिर से टेस्टिंग कर सकते हैं। यह इसके स्वाद और खुशबू दोनों को बढ़ाएगा। अब आप इसे सेकने के बाद गर्मा गर्म प्लेट में सॉस के साथ सर्व करें। आपका स्वादिष्ट उत्पम बनकर तैयार है।